सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जिला महिला चिकित्सालय में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को लगने वाले टीके का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में नई सुविधा का शुभारंभ किया गया है। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध टीके सुरक्षित और सरदार हैं। यह टीके जिस कोल्ड चेन में रखे जाते हैं उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है और टीकों की गुणवत्ता पर विशेष जोर रहता है। जिला महिला अस्पताल में सभी 7 दिन जबकि 23 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन टीका लगेगा। रविवार को भी मिलने वाली टीकाकरण की सुविधा से कामकाजी लोग अपने बच्चों को प्रतिरक्षित करवा सकेंगे। जिला महिला अस्पताल में टीकाकरण सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक रहेगा, जबकि शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर अप्रैल से अक्टूबर तक 8 से 2, वहीं अक्टूबर से मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह सुविधा मिलेगी। टीकाकरण सुविधा सुदृढ़ीकरण में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा और उनकी टीम योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि नियमित टीकाकरण के अंतर्गत 5 साल में 7 बार बच्चों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। यह टीके 12 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टिटनेस, मीजल्स, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, रुबेला, जेई, दिमागी बुखार, निमोनिया, वायरल डायरिया और इन्फ्लुएंजा से बचाने में टीकों की भूमिका अहम है। जहां निजी अस्पतालों में इन बीमारियों से बचाव के लिए महंगे दामों पर टीके लगवाने पड़ते हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों में इन टीकों की सुविधा पाना सभी का हक है। गर्भवती और किशोर किशोरियों को भी टीबी का टीका लगाने का प्रावधान है। कुसमही बाजार निवासी हेमलता के नवजात भांजे को सीएमओ ने पोलियो ड्रॉप पिलाकर टीकाकरण का विशेष सुविधा की शुरुआत की। नवजात को BCG और हेपेटाइटिस का टीका भी लगाया गया। हेमलता ने बताया कि नवजात की मां सुमन की ससुराल महाराजगंज के परतावल में है। नवजात की 5 साल की बहन को सभी टीके महाराजगंज में ही लगे हैं। आशा कार्यकर्ता की मदद से टीकाकरण सत्र की सूचना मिलती है और ANM द्वारा टीका लगाया जाता है। गोरखपुर में टीका लगाने के बाद टीकाकरण कार्ड मिला है, जिसकी मदद से बाकी टीके महाराजगंज में ही लग जाएंगे। टीका पूरी तरह सुरक्षित होता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। सीएमओ ने बताया कि कुछ टीकों के बाद बुखार आना स्वाभाविक लक्षण है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही टीकाकरण बंद करना चाहिए। चिकित्सक की सलाह पर दवा लेने से यह ठीक हो जाता है। टीका लगने के बाद टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखना चाहिए और नियत समय पर टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक NK श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी किरण बर्नवाल, ARO अजीत सिंह, क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश, हेल्थ मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, अमित श्रीवास्तव, ANM अनुष्का प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, गुड। एक और ले लो, बस 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 बस। ले 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 ले, चलो या देवी बहुत बढ़िया रो दिया। हाँ बस कुछ नहीं मिला ना। हाँ हाँ टीकाकरण के लक्ष्य को 100% प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक विशेष टीकाकरण बूस्टर अभियान शुरू किया है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के माह में ये महाअभियान चलाया जा रहा है।
इस माह भी हमारा वर्तमान समय में चल रहा है। 0 से 5 साल तक के बच्चों में 12 जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने के लिए महाअभियान शुरू किया गया है। सरकार ने अभी निर्देश ये दिया है कि जितनी भी हमारी अर्बन CSCs हैं और जिला अस्पताल महिला अस्पताल हैं, यहाँ पर प्रतिदिन टीका लगेगा। अर्बन PSCs पर और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर हमारे ये जो टीके हैं ये मंगलवार से लेकर के रविवार तक लगाए जाएंगे।